मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का क्या नाम है? एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। एरिया तो अपन जब ही निकालेंगे तो पहले हमको पता होगा भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी एक सर्कल खींच लें, जैसे कि मैंने ये सर्कल खींच लिया, पूरा दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। अब अगर मैं इस सर्कल के अंदर कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दूं जिसके चारों वर्टिसेस कहां पे हो? कहां पे हो चारों वर्टिसेस? इस जो सर्कल है, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी सर्कमफेरेंस पे इसके चारों वर्टिसेस होने चाहिए। दोबारा बता देता हूं, देखो, अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं और उसके अंदर कोई ऐसा एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दूं जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर हो, तो वह क्वाड्रिलेटर हमारा क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। अब समझो, देखो, जैसे कि मैंने एक ये सर्कल बना दिया, ठीक है, अब सर्कल बना दिया, इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया है, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती है। इसकी चार साइड है, ठीक है, चार साइड है इसकी, और मैंने इसके चार वर्टिसेस कर लिए, ए बी सी डी लिए। तो इसके चारों जो वर्टिसेस है ना, वो कहां पे टच होनी चाहिए? इसकी सर्कमफेरेंस पर टच होनी चाहिए। सर्कल की सर्कमफेरेंस मालूम है ना क्या होती है? ये पूरी गोल, ये सर्कमफेरेंस होती है पूरी पूरी, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे चारों वर्टिसेस क्या होने चाहिए? टच होने चाहिए सिर्फ। देखो, ये यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे ये टच हो रहा है वर्टिसेस, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ इसकी यही एक शर्त है, सर्कल के अंदर कोई भी ड्रॉ किया गया ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस क्या हो? सर्कमफेरेंस पे टच हो, वही क्या कहलाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। इसकी कोई भी साइड बराबर हो चाहे नहीं हो, चाहे अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको भी ध्यान में रख लेना, क्या होती है? कि जो इसके अपोजिट वर्टिसेस होते हैं ना, अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है, उन दोनों का एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप जानते हो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये, अगर ए और सी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री हो जाएगा। ये एक अलग प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में ये। अब हम बात करते हैं एरिया की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? इनकी चारों साइड का सम करके इसमें टू का डिवाइड मैं कर दूंगा। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा मेरा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाई टू आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस बी बोलते हैं इसी को, ठीक है। सेमी पेरीमीटर में क्या बोलता हूँ? एस बी बोलता हूँ इसी को, ठीक है। तो मेरी एस की वैल्यू कितनी आ गई? कहने का मतलब है सेमी पेरीमीटर है ना ये, इसको एस बी बोलते, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या कहते हैं? शॉर्ट में एस कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एस से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। अब देखो, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी होता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम करके टू पर डिवाइड दे दो, और इसका एरिया का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है? इसके चारों वर्टिसेस किससे टच होनी चाहिए? सर्कमफेरेंस से टच होनी चाहिए, बस। अगर हमको इतना दिख जाए कहीं पे तो हम क्या कह देंगे? कैसा क्वाड्रिलेटर है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट वर्टिसेस का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 डिग्री हमारा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है चैप्टर में तो काम नहीं आएगी, लेकिन कई कई बार कहाँ पे काम आ जाती है? जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ये बहुत काम आती है, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है।